हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप सब देख रहे होंगे आपके आसपास थोड़ी थोड़ी ओपनिंग्स निकलना स्टार्ट हुई हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो ओपनिंग्स देखी जा रही है वो BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पर देखी जा रही है। ऐसा क्यों, उसका भी रीजन आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं BIM के ऊपर वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टेट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। गाइस, सबसे पहली बात तो BIM इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? BIM मींस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है, जिसको BIM भी बोलते हो अपन। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि आज के टाइम में अब लोग सोचते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले देख ले कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग कुछ सीखना होता है तो आप पहले क्या देखते हो, रिव्यू देखते हो लोगों के, यार इनके रिव्यू क्या है। कुछ खरीदना होता है तो पहले रिव्यू देखते हो कि Amazon पे ये प्रोडक्ट कैसा है। उसी तरीके से अब बिल्डर्स हो या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सभी चाह रहे हैं कि हम बनने से पहले देख लें, एंड दैट इज कॉल्ड BIM, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कंस्ट्रक्शन देख लेना, दैट इज कॉल्ड BIM। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो भाई, मतलब आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, बड़े शब्द नहीं, कि जो आप ऑन साइट करने वाले थे उसी को लैपटॉप पे कंस्ट्रक्शन करके देख लिया, लैपटॉप के अंदर ही देख लिया कि उसका रेंडर व्यू कैसा दिखेगा, लैपटॉप पे देख लिया यूनिंग व्यू कैसा दिखेगा, लैपटॉप पे देख लिया कि उसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज कैसी दिखेंगी, इंटीरियर कैसे दिखेगा, स्विमिंग पूल कैसे दिखेगा, मीन्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे देख लिया कि ऑन साइट पर क्या बनने वाला है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि भाई ऑन साइट पर हम अगर बना देते किसी बीम को, उसको ब्रेक करने में कितनी इशू जाती है, स्विमिंग पूल अगर गलत जगह पर बना दिया फिर दूसरे जगह पर बनाने में कितना खर्चा आएगा। लेकिन लैपटॉप में क्या है, स्विमिंग पूल बना है, डिलीट किया, दूसरे जगह लगा दिया, फिर मूव करके दूसरे जगह लगा दिया। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे पूरा कंस्ट्रक्शन देख लेना, वही कहलाता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। पहले तो ये क्लियर हो गया होगा। इसका मैंने कंप्लीट, वैसे तो 4 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट दिया हुआ है, आप में से काफी लोगों ने सीखा भी है, तो वो कोर्स अगर आपको सीखना है तो उसको सीखो। बाकी मैं जो उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, अब जब आप जाते हो किसी भी फ्रेशर्स के लिए, कि आप फ्रेशर कोई भी जाता है और वो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो BIM हो गया क्या होता है, दूसरा इसमें LOD होती है, क्या होती है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, क्या होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये बड़े काम की चीज है। कैसे, चलो थोड़ा आसान भाषा में इसको भी बताता हूँ। जैसे कि अगर अपन हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग कैसे कि हम लोग पहले जब बच्चे थे, मतलब छोटे थे, 4-5 साल के थे, तो कैसा होता था कि हमें ये नहीं पता होता था हमें पहनना क्या है, जो हमें दे दिया जाता था हम उसको पहन लेते थे। ऐसे ही पहले के घर होते थे, मतलब ये नहीं पता होता कौन सी डिजाइन बनानी है, जस्ट ब्रिक रूम बना दिया, रूम बना के उस पर छत डाल दिया, रूफ डाल दिया, अपना रहने के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़े थोड़े बड़े हुए तो हमने देखा कि यार लोग थोड़ा थोड़ा तो कपड़े उपड़े अच्छे से पहन रहे हैं, प्रेस उस करके पहन रहे हैं, स्कूल में ड्रेस अच्छे से पहन के आ रहे हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा बहुत पोर्च वगैरह डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया और नॉर्मल घर बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर हम लोग और बड़े हुए, हमको लगा DO लगाना चाहिए, उसके बाद हमें फेस वॉश वगैरह लगाना चाहिए, मीन्स जब हम लोग 15-16 साल के हुए तो फेस वॉश वगैरह लगाना चाहिए। हम लोग तो क्या थोड़ा सा और डीप में जाके फेस वॉश, मतलब अंदर की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे ही बिल्डिंग में भी होने लगा, क्या लोगों ने थोड़ा सा अच्छा सोफा वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा इंटीरियर बेस्ट करने की कोशिश करने लगे। फिर हम लोग और बड़े हुए तो क्या हो रहा है, LOD बढ़ रही ना हमारी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग 5 साल से 10 साल पे, 10 से 15 पे, 15 से 20 पे जा रहे हैं। जब 20 पे गए थे, थोड़ी एक अच्छी बाइक चाहिए या फिर 4-व्हीलर ऐसा लगना चाहिए हमारे घर में, जिससे हम मतलब कि हमारा थोड़ा सा चले, हम तो हमें अच्छा लगे, जस्ट शो ऑफ के लिए जो भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कैसा गार्डन होना चाहिए अच्छा सा, स्विमिंग पूल होना चाहिए अच्छा सा, थोड़ी लाइटिंग वगैरह अच्छी वाली होनी चाहिए जो आंख में न चुभे वगैरह वगैरह वगैरह। क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ एक छोटा सा रूम खोजते थे, रूम से अभी इस लेवल पे सोचने लगे हैं। अब इसमें भी देखिए, उसके बाद क्या होता है, लोगों कुछ लोगों के शौक होते हैं कि 5-4 उंगलियों में क्या पहनना है, चैन वगैरह पहनना है, जो भी रिंग वगैरह पहनना है या फिर घड़ी वगैरह पहनना है। क्या हो रहा है, लोग अपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अच्छा है, इसके बाद हम लोग अगर हमारे घर में ये चीज ऐसा करते हैं, हमारा जो बिल्डिंग है इसमें अगर फ्रेश ऑक्सीजन आने लगे तो कितना अच्छा होगा, एयर कंडीशनर लगा देते हैं वगैरह 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 करके, तो हम लोग लेवल ऑफ डेवलपमेंट को बढ़ाने लगते हैं। तो ये जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, ग्रोनअप हो रहे हैं, हम अपना विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे जैसे जैसे टाइम हो रहा है, लोग बिल्डिंग के अंदर भी नई नई फैसिलिटीज को धीरे धीरे ऐड करते चले जा रहे हैं।
तो ये क्या होता है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब इसको थोड़े से बुक वाली लैंग्वेज में बताता हूँ। एलओडी 100, एलओडी 200, एलओडी 300, एलओडी 400, 450, एलओडी 500, एलओडी 600, एलओडी 700, ऐसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, इसका मैंने कंप्लीट वेबिनार बनाया, 1 घंटे का दिया था यूट्यूब पे। आपको याद नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ। 1 घंटे का कंप्लीट वेबिनार है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट पूरा उसमें समझाया मैंने। मतलब कैसे कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, जस्ट बात करते हैं बिल्डर से, और बात करके डिस्कस करते हुए कैसा कैसा बनाना है, कौन सा प्लॉट एरिया है। तो ये एलओडी 100 है, फिर एलओडी 200, उसमें हम लोग 2D डायग्राम्स फिक्स करते हैं कि भाई प्लान कैसा कैसा दिखने वाला है। उसके बाद एलओडी 300, जिसमें आप 3D नाम से सुनते हो ना, ज्यादातर कंपनियां एलओडी 300 तक ही अभी काम कर रही हैं, बट अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो एलओडी 300 में क्या होता है, हम लोग इसमें देखते हैं भाई कैसा मॉडल हमारा दिखेगा, वो हमें फिक्स करके दे दो। फिर एलओडी 400, 400 डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब लोग कर ले, 450, 500। तो ये मैंने पूरा इस पर एक डिटेल 1 घंटे का लेक्चर बनाया, वो मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे ओपन करोगे आपको मिल जाएगा। 1 घंटा पूरा वॉच कर लो, आधा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब एलओडी जब खत्म होता है, अब देखो टॉपिक बहुत हैं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सारे टॉपिक्स को, सिर्फ टॉपिक के नाम बताता हूँ, आप उनको पढ़ लो। एलओडी टू, एलओडी के बाद क्या जो कुछ पूछते हैं, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, 4D क्या होता है, 5D क्या होता है, 6D क्या होता है, 7D क्या होता है, सब पे मेरा वीडियो है, इसको भी आप वॉच कर सकते हो। अब इसके बाद जब एलओडी ये सब हो गया, इसके बाद आते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, उसमें सबसे जो मेजर सॉफ्टवेयर जिसपे क्वेश्चन पूछते हैं वो रेबिट पे पूछते हैं। तो रेबिट में भी क्या पूछते हैं, उसके फाइल फॉर्मेट से स्टार्टिंग होती है, .rft, .rfa, तो ये जो .rbt में .rbt किसके लिए होता है, .rft किसके लिए होता है, .rfa किसके लिए होता है, तो ये फाइल फॉर्मेट से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद अंदर के थोड़े बहुत कमांड्स, एक्सट्रूजन कैसे यूज करेंगे, लॉफ्ट कैसे यूज करेंगे, जनरल क्वेश्चंस होते हैं सब। तो और उसके बाद आपको उन्होंने देख लिया कि आप लेयर्स कैसे क्रिएट करोगे, सेक्शन कैसे कट करोगे, तो ये सारे जनरल क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे। आपसे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक फैमिली पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि भाई इसको पता है कि नहीं पैरामेट्रिक क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है। उसके बाद जैसे कि थोड़ी रेंडर की नॉलेज आपसे लेंगे, DPI क्या होता है, डॉट पर इंच। तो आप जितने DPI की फाइल, रेंडर फाइल बनाओगे उतनी अच्छी दिखेगी फाइल। मतलब देखते हो ना, किसी किसी की बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसके थ्रू कर सकते हो। उसके बाद रेंडर कैसे बेटर कर सकते हो, तो आप बताओगे वीरे के थ्रू, रेबिट में भी वीरे चलता है, आपको पता नहीं है तो जान लो। और इंस्केप के थ्रू, इंस्केप क्या होता है, इंस्केप एक प्लगइन है जो कि रेबिट में अपने आप इंक्लूड हो जाती है डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पर, उससे रेंडर की क्वालिटी बेटर हो जाती है, बेटर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वीरे भी एक प्लगइन है, उसके थ्रू भी रेंडर की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो रेबिट आर्किटेक्चर, रेबिट फैमिली और फैमिली के बारे में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर रेबिट स्ट्रक्चर पे थोड़ी डिटेलिंग पूछेंगे, चेक किया जाता है कि आपको डिटेलिंग का नॉलेज है कि नहीं, LD क्या होता है। ठीक है, अब कई लोगों को LD पता ही नहीं कि LD क्या है, लैपिंग क्या होता है, कैसे प्रोवाइड करेंगे। और आजकल अभी जैसे कि बहुत नए नए क्वेश्चन भी लोग क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हम लोग लैपिंग दे रहे हैं तो कहाँ लैपिंग देंगे, लैपिंग देने के लिए डायग्राम दे दिया, कभी कभी दे देते हैं कैंटिलीवर भी, मैं इसकी डिटेलिंग करके दिखाओ। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैंटिलीवर पर डिटेलिंग कैसे करेंगे। फुटिंग में स्टार्टर बार कैसा लगता है, कभी लोग, एक दिन मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा स्टार्टर बार ऊपर तक क्यों नहीं जाता, मैंने कहा वो ऊपर तक नहीं जाता है, तो स्टार्टर बार कैसा लगता है उसको हम लोग को दिखाना होता है। सेक्शन काटने को बोल देंगे, बीम का, कॉलम का सेक्शन काट कर दिखाओ, ये भी सब BIM के अंदर ही आ रहा है डिटेलिंग की प्रोफाइल पे, तो इससे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। उसके साथ थोड़ी टेक्नोलॉजी पे, कैसे टेक्नोलॉजी पे, बीम 360 अभी आ चुका है, तो बीम 360 क्या होता है, डायनमो क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई होते क्या है, रेबिट एस्टिमेशन क्या होता है, कैसे कर सकते हैं रेबिट में एस्टिमेशन। 4 वीडियो रेबिट एस्टिमेशन भाई आकाश पांडे डाल दो आपको मिलेगा, कंप्लीट मैंने एस्टिमेशन कैसे रेबिट में करते हैं सब बताया हुआ है, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हो। उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे कि नेविसवर्क 4D और 5D का काम करता है, तो इसके अंदर सिमुलेट्स कैसे करोगे, इसके अंदर एनिमेशन कितने मेथड से कर सकते हो, इसके बाद इसकी बिलिंग कैसे करोगे, मीन्स इसके अंदर एस्टिमेशन निकाला जाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स का कैसे एस्टिमेशन निकालोगे, क्वांटिटिफिकेशन को कैसे यूज करोगे, इसके अंदर कमांड है। तो ऐसे ढेर सारे नेविसवर्क से क्वेश्चन, नेविसवर्क का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, स्केचअप का फाइल फॉर्मेट, रेबिट का फाइल फॉर्मेट, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। और एलओडी वगैरह तो आपसे पूछना ही पूछना है, वो तो फिक्स है। और उसके बाद आपसे थोड़े से इन जनरल क्वेश्चन की भाई BIM का स्कोप क्यों है, या फिर BIM का स्कोप है क्या, तो आपको सीधे बताना है कि सर आज के टाइम में हर कोई कुछ भी करने से पहले 10 बार थिंक करता है, और थिंक करना ही एक तरीके का टेक्नोलॉजी है BIM टेक्नोलॉजी, सो इसका ग्रो होना तो कंपल्सरी है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि BIM में आपको 100% पूछने ही वाले हैं। अभी और भी क्वेश्चंस हैं,
बट मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा और कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाऊं पार्ट टू इसका, जिसमें कि कंप्लीट और डीप में जाके बता सकूं आपको कि बीए में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। होप ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। एक रिक्वेस्ट है कि आप जो नीचे मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ उसको जरूर वॉच कर लेना। वो एक घंटे का बीआईएम का मैंने वेबिनार दिया था यूट्यूब पे ही, तो उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा कि बीआईएम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे कैसे उसमें होता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं उससे नेक्स्ट वीडियो में। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना, मुझे मोटिवेट करना कि हाँ सर और बनाओ, मज़ा आ रहा है। और अभी हमने स्टार्ट कर दिया तो रेगुलर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।